जी, हम लोग कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास, हमने देख ली रॉ मैट्रिक्स, हमने देख ली स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने देख ली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हमने उसके अंदर देख ली रॉ क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, वो हमने देख लिया। ठीक है जी, मैट्रिक्स में हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं। और याद रखिएगा कि जो मैंने डब्बे के अंदर इसको बंद कर दिया, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, हम लोग इस बॉक्स के अंदर बंद नहीं कर रहे होते, इसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बंद कर दिया है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमने देख लिया कि मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है। उसके अलावा हमने साइज़ पर बात करता था, पता दे साइज़ देख लिया कि साइज़ और ऑर्डर क्या होता है। इसके अलावा एक और चीज़ कि मैट्रिक्स की एक और किस्म यह है कि अगर आपके पास डायगनल वे के अंदर, डायगनल क्या होता है, इस डायरेक्शन के अंदर, क्रॉस डायरेक्शन का डायगनल में, अगर मेरे पास 1 0 0 1, अगर मेरे पास डायगनल के अंदर 1 आ रहा है और डायगनल के अंदर 0 आ रहा है, तो ये मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है जी, अगर मेरे पास डायगनल के अंदर 1 है या मेरे पास डायगनल के अंदर 0 है, इस पूरे को अगर कोई और से डिजिट आ जाएंगे तो ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगी, यानी कि 1 और 0 का होना ज़रूरी है। हाँ, इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, यहाँ पे 0 पहले आ सकता है, 1 बाद में आ सकता है, 1 यहाँ पे आ सकता है, 0 यहाँ पे आ सकता है, ये यूनिट मैट्रिक्स हो सकती है। ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम एक और नाम देते हैं, वो होता है आइडेंटिटी, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है जी, इससे पहले एक लेक्चर था और छोटे से जो एक रिकॉर्ड किया गया, तो उसके अंदर मैं कॉलम मैट्रिक्स पर बात कर रहा था। कॉलम मैट्रिक्स मैंने जिक्र किया था कि ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 8 और 9, बस एक मैट्रिक्स गिवन है, अगर मुझे इसको, ये रॉ मैट्रिक्स है, इसको मैंने कॉलम मैट्रिक्स के अंदर अगर कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, जो ये कन्वर्जन का प्रोसेस है कि 8 ऊपर आ जाए और 9 नीचे आ जाए, क्योंकि 8 यहाँ पे पहले था, 9 यहाँ पे बाद में था, 8 कॉलम के एतबार से पहले आ गया और 9 कॉलम के एतबार से बाद में आ गया। तो ये जो प्रोसेस है रॉ को कॉलम में लेके जाना, या इसी तरीके से कॉलम को रॉ में लेके जाना, ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, इसको पोजीशन चेंज कर देना, इसको ट्रांसपोज कहा जाता है, ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक आइडिया है मैट्रिक्स का, इन्फॉर्मेशन लिखने का, और मैट्रिक्स कितने किस्म की होती हैं। क्लास 10 के अतबार से जो आपकी किताब है उसमें ज़्यादातर आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, या मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जा रहा होगा, या फिर कॉलम मैट्रिक्स और रॉ मैट्रिक्स आपके पास आ रही होगी, इससे ज़्यादा आपका जो है वो काम नहीं है। इंशाल्लाह अगर आप आगे जाते हैं तो आगे जाकर आपका मज़ीद हो सकता है कि आप लोगों को आपके पास ऑर्डर जो है यहाँ पे 2x2 का, आगे जाके आपका ऑर्डर जो है वो बढ़ सकता है, कोई सा भी हो सकता है। ये मेरे पास ऑर्डर जो है 3x3 का है, ये इंशाल्लाह जब आप लोग फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अंदर जाके मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, तो वहाँ पे जाके आप इस ऑर्डर पे चले जाएंगे। लेकिन क्लास 10 के अंदर हम लोग 2x2, 1x2 या 2x1 वाले ऑर्डर तक ही महदूद रहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि एडजॉइन ए क्या होता है, एडजॉइन ए कैसे निकाला जाता है, और ए डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिसे कहा जाता है। हमारे कुछ हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर बेसिकली हम जो बात कर रहे होते हैं, ज़्यादातर हम लोग चैप्टर 7 के अंदर इन्वर्स की बात कर रहे होते हैं, आपको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेकर आनी होती है, ये बेसिक हमारे सवाल हैं, और मोस्टली इसमें से क्वेश्चन बन के आता है चैप्टर नंबर 7 में से, जो आपके करीब करीब भी 10 नंबर आराम से बोर्ड के पेपर में निकल जाते हैं। अब ज़रा देखिए, अब नज़र आते हैं कि डिटर्मिनेंट या मॉड्यूलस क्या होता है। ये मेरे पास मॉड्यूलस है मैट्रिक्स के एतबार से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ये एग्ज़ाम्पल की मैट्रिक्स में लेता हूँ, यहाँ फोकस कीजिएगा, 2 4 1 3, तो किसी भी मैट्रिक्स का ए मॉड्यूलस या ए डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। इस मैट्रिक्स के एतबार से मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, अगर मैं इसको ए नाम दूंगा तो ए मॉड्यूलस निकलेगा, अगर मेरे पास मैट्रिक्स बी होगी तो बी मॉड्यूलस निकलेगा, अगर मेरे पास मैट्रिक्स सी होगी तो सी मॉड्यूलस निकलेगा। यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स ली, उसका ए मॉड्यूलस मैं निकाल रहा हूँ या ए डिटर्मिनेंट मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी, वैल्यू के एतबार से ये मेरे पास ए बी सी डी वैल्यूज मेरे पास गिवन है, ए बी सी डी, ए ए डी, ए की वैल्यू डी के वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, फिर बी की वैल्यू और सी के वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी, और इसके बाद जो आंसर आएगा वो मेरा ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा।
अब ज़रा देखते हैं कि ए डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आता है। ए की वैल्यू मेरे पास है 2, डी की मेरी वैल्यू मेरे पास है 3, बीच में माइनस का साइन, बी की वैल्यू मेरे पास है 4 और सी की वैल्यू मेरे पास है 1। ए डिटरमिनेंट या ए मॉड्यूलस मेरे पास यहाँ पे होता है 6 - 4, ए डिटरमिनेंट मेरे पास हो गया 2। ये डिटरमिनेंट और ए मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला है। अगर हम ए इनवर्स की बात करें, हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकालना है, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, इनवर्स जो बेसिकली सवाल अक्सरियत एग्जाम्स के अंदर आता है इनवर्स मालूम करने का, इनवर्स को ऐसे लिखा जाता है ए और उसके ऊपर पावर -1 इनवर्स। उसके उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला है, ए इनवर्स का फॉर्मूला मेरे पास है 1/a modulus (adjoint A). अभी तक हमें पता है 1 तो हमें पता है अंडरस्टूड है, अपाउन हमें पता है अंडरस्टूड है क्या होता है, ए डिटरमिनेंट हमने देख लिया कि किस फॉर्मूले से निकाला जाता है, AD - BC। यहाँ पे इस मैट्रिक्स को देखते हुए यहाँ पे आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ए मॉडुलस से ए डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। अब ए इनवर्स का ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है कि ए इनवर्स कैसे निकाला जाएगा। किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जब उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आ जाए। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी वैल्यू का एडिटिव इनवर्स निकाला जाए और उसे उसमें ऐड किया जाए तो आंसर 0 हो जाए। अगर हम यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे और उसे उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो आंसर 1 आएगा। तो डेट वो प्रूव कर देगा कि हमने इनवर्स सही निकाला या सही नहीं निकाला। अभी तक हम लोग यहाँ पे हैं, हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया, अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है। बहुत आसान तरीका, जरा एडजॉइंट ए हम देखते हैं क्या है। इस वाली मैट्रिक्स को देखते हुए 2, 4, 1, और 3 को देखते हुए मैं यहाँ पे चलो मैं एक नई जो है वो मैट्रिक्स बना लेता हूँ, एक नई मैट्रिक्स मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मैट्रिक्स है मेरे पास 5, 7, 2, 1। अब मुझे कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकालिए, या फिर सॉरी एडजॉइंट ए कह रहा हूँ, एडजॉइंट निकालिए। ए जो है वो ज़बान पे बैठ गया है क्योंकि ए का हम अक्सर जिक्र कर रहे हो, तो यहाँ पे बी इनवर्स भी हो सकता है, यहाँ पे ए इनवर्स भी हो सकता है, यहाँ पे सी भी हो सकती है, डी भी हो सकता है, तो एडजॉइंट ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। इस मैट्रिक्स का जो भी नाम होगा एडजॉइंट वो, तो इस मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा, इस वाले डिजिट की और इस वाली डिजिट की या इस वाली वैल्यू की, इन दोनों की हम जगह को चेंज कर देंगे, 5 की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 की जगह पे 5 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ पे 2 पॉजिटिव का है, 7 पॉजिटिव का है, इन दोनों को नेगेटिव का कर देंगे। तो एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालना है, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, 1 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। प्लस का 7 था, माइनस का 7 हो गया, प्लस का 2 था, माइनस का 2 हो गया। ये इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमने निकाल लिया, ठीक है जी। हमने ए डिटरमिनेंट देख लिया कि ए डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। ए डिटरमिनेंट मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए डिटरमिनेंट का फॉर्मूला मेरे पास है AD - BC। तो ए इनवर्स के हमें दोनों एलिमेंट पता चल गया। अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो हमें ए मॉड्यूलस या ए डिटरमिनेंट का पता होना चाहिए, ए मॉड्यूलस या ए डिटरमिनेंट का पता होना चाहिए, और हमें एडजॉइंट निकालना आना चाहिए कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है मैट्रिक्स का। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का जो हमें गिवन है उसका हम ए उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, बी इनवर्स हो सकता है, सी इनवर्स होता है, क्योंकि अक्सर ये हम लोग जब स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, किसी भी जगह पढ़ाते हैं, तो हम अमूमन ए को हम लोग चूज़ करते हैं, ए को एज अ वेरिएबल पिक करते हैं, इसलिए ज़बान पे जो है वो ए आ गया है। लेकिन आप कोई सभी वेरिएबल पिक कर सकते हैं, बी इनवर्स भी हो सकता है, सी इनवर्स भी हो सकता है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/a determinant (adjoint A). ये हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा, रॉ मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, रॉज और कॉलम्स क्या होते हैं, रॉज और कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है जी। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, अगर डायगनल के अंदर वैल्यूज़ ऐसे आ जाएं तो ये हमारे पास
यूनिट मैट्रिक्स हो जाती है, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज भी हमने देखा कि अगर हम रॉ किसी भी रॉ मैट्रिक्स को अगर हम उस कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, या कॉलम मैट्रिक्स को हम रॉ मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो प्रोसीजर है कन्वर्ट करने का, ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है, ट्रांसपोज हो गया। इसके अलावा हमने देखा कि हम एडजॉइन कैसे निकालें, एडजॉइन का फॉर्मूला क्या है किसी भी मैट्रिक्स का। यहाँ पे हमने इस मैट्रिक्स को लिया था, तो इसका एडजॉइन कैसे निकाला जाएगा, ए डी माइनस बी सी फॉर्मूला है। ए वैल्यू, बी वैल्यू, सी वैल्यू, डी वैल्यू, इसका ए डी माइनस बी सी एडजॉइंट या डिटरमिनेंट किस तरह से निकाला जाता है। इसके अलावा हमने देखा मॉड्यूलस या डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। ये चार वैल्यूज मेरे पास गिवन है मैट्रिक्स के अंदर, इन दोनों की मैं जगह चेंज कर दूंगा और इन दोनों का मैं साइन चेंज कर दूंगा। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। चैप्टर नंबर 7 सिंध बोर्ड की बुक है मैथमेटिक्स की, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। आगे चल के हम मजीद सवाल देखेंगे कि ए डिटरमिनेंट के मजीद सवाल कैसे हैं, ए इनवर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, जब वैल्यूज़ निकल आती हैं तो उसे प्रूफ कैसे किया जाता है। और इस चैप्टर के दो मेजर टॉपिक्स हैं। एक मेजर टॉपिक हमारे पास ए इनवर्स है, जो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो ये मेरे सामने है, जिसको मैंने यहाँ पे बताया भी है कि इसको लिखा कैसे जाता है। ए इनवर्स या बी इनवर्स या किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एक मेजर टॉपिक है, और सेकंड जो मेजर टॉपिक है आपका वो क्रैमर रूल है। इन दोनों टॉपिक्स में से लाजमी कोई ना कोई सवाल आपके मैथमेटिक्स में एग्जाम्स के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में भी लाजमी आता है। और जाहिर सी बात है, ये माशाल्लाह चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है, इसकी एक्सरसाइज 7.5 तक है, 7.1, 7.2, 3, 4, 7.5 तक जा रही है, तो काफ़ी सारी इसके अंदर से दो या तीन एटलीस्ट भी एमसीक्यूज़ भी बनकर आती हैं। Thank you.